लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी खूब हुआ हंगामा। अफसरशाही के मुद्दे पर मंत्री जीवेश मिश्रा के समर्थन में उतरा पूरा विपक्ष। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले, जातीय जनगणना तय। विभिन्न मांगों को लेकर विधान मंडल के गेट पर कांग्रेस और माले विधायकों ने किया प्रदर्शन। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली एम्स से लौटे वापस। सीतामढ़ी में व्यवसायी के घर हुई 15 लाख की डकैती। मुजफ्फरपुर आंख कांड को लेकर पटना की टीम ने आई हॉस्पिटल का लिया जायजा। कोरोना का टीका नहीं लेने वालों की सरकारी कार्यालयों में बढ़ेगी मुश्किलें। और 5 दिसंबर को बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन खूब हंगामा हुआ, कभी किसानों के मुद्दे पर तो कभी शिक्षा के मुद्दे पर। मंत्री जीवेश मिश्रा से लेकर मुजफ्फरपुर आंख कांड पर भी जमकर शोर शराबा हुआ। विधानसभा की तरह विधान परिषद में कई मामलों को लेकर हंगामा हुआ। 18 विधान पार्षदों ने ध्यानाकर्षण के तहत विश्वविद्यालयों में प्रावधानों की हो रही अनदेखी का मामला उठाया। कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के स्थापित प्रावधानों की अनदेखी करके कुलपति एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से कई प्रकार के विवादास्पद भुगतान और खरीद किए जा रहे हैं। संबंधित सवालों का जवाब मंत्रियों ने दिया। दाखिल खारिज संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी में कहा सुनी मामले में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पहल की। आज दोनों विधायकों में समझौता हो गया। विधानसभा में आज श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का मामला छाया रहा। दरअसल आज सदन में प्रवेश करते समय श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया। पहले डीएम और एसपी की गाड़ी को जाने दिया गया। इसी मामले पर मामला और ज्यादा बढ़ गया। मंत्री जीवेश मिश्रा गुस्से में आ गए। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही वे अफसरशाही पर भड़क गए। उनके समर्थन में विपक्ष के सदस्य भी आ गए। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। 20 मिनट बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो सदस्यों ने मंत्री को न्याय दो के नारे भी लगाए। बाद में इसे लेकर अध्यक्ष के चैम्बर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव के साथ कई अन्य दलों के नेता भी शामिल रहे। आपको बता दें कि जातीय जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच यह तीसरी मुलाकात थी। इसके पहले भी पटना में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद उन्होंने पत्र भी लिखा था। बाद में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दलों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले थे। प्रतिनिधि मंडल में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इनके अलावे हम पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी की ओर से मुकेश सहनी भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सर्वदलीय बैठक कब तक होती है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना तो तय है, सीएम के सामने हमने अपनी बात रखी है। सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सर्वदलीय बैठक हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है कि बिहार में काफी संख्या में गरीब लोग हैं। सूबे में गरीबों की संख्या लगभग 52% है। जातीय जनगणना से ऐसे लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज विधानमंडल के गेट पर विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन किया। माले ने मंडी व्यवस्था फिर से लागू करने और मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने की मांग को लेकर कैंपस में प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य गेट पर धान क्रय में एमएसपी तय करने को लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों और विधान पार्षदों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की आय दोगुनी करने की मांग को लेकर आरजेडी के विधायक और पार्षदों ने भी हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत अब लगभग ठीक हो गई है। वे दिल्ली एम्स से आज डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों की टीम ने हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अस्पताल से अनुमति मिलने के बाद वे अपनी बड़ी बेटी सांसद मीशा भारती के सरकारी आवास पर शिफ्ट हो गए। तेज बुखार के साथ चक्कर आने की शिकायत पर लालू यादव को पिछले दिनों दिल्ली एम्स में भर्ती कराना पड़ा था। हाल ही में वे कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए पटना आए थे। पटना में ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिससे वे दिल्ली लौट गए थे। बाद में एम्स में एडमिट होना पड़ा था, लेकिन तबीयत ठीक होने पर वे मीसा भारती की आवाज पर लौट गए।
बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सीतामढ़ी में डकैतों ने कैश समेत 15 लाख की संपत्ति लूट ली। डकैती की यह घटना बेला थाना क्षेत्र के मुजौलिया बाजार स्थित व्यवसायी वेदानंद शाह के घर में हुई। सूत्रों की माने तो डकैतों की संख्या 10 के आसपास थी और मौके पर डकैतों ने बमबाजी भी की, फायरिंग भी हुई, लेकिन इस संबंध में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। डकैतों की गोली से चौकीदार जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। मुजफ्फरपुर आंख कांड को लेकर आई हॉस्पिटल की मुश्किलें बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आई हॉस्पिटल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसे लेकर आज पटना से डॉक्टरों की एक टीम मुजफ्फरपुर पहुंची, लेकिन टीम को आई हॉस्पिटल ने जांच में सहयोग नहीं किया। टीम में शामिल लोगों ने मीडिया को बताया कि आई हॉस्पिटल और SKMCH की स्थिति को जानेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आई हॉस्पिटल फिलहाल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और ना ही अस्पताल का रिकॉर्ड दे रहा है। मार्च से पहले यह अस्पताल जिला स्वास्थ्य समिति से जुड़ा हुआ था, लेकिन अप्रैल के बाद उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है। आपको बता दें कि आई हॉस्पिटल में पिछले सप्ताह 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मैक्सिमम की रोशनी चली गई थी, जबकि 16 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी है। कोरोना वैक्सीन यदि आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, वरना कई कामों में परेशानी बढ़ने वाली है। फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह जरूरी है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। इसे देखते हुए पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बिना वैक्सीन वाले लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, जिम, क्लब, रेस्टोरेंट में 50% ही उपस्थिति रहेगी। नई पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज ही देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। कर्नाटक में देश के पहले 2 मरीज मिले हैं। अब तक आपने स्वेटर और शॉल नहीं निकाला है तो जल्द ही निकालना पड़ेगा। ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार सूबे के कुछ जिलों में 5 दिसंबर को बारिश होने वाली है। इसके बाद टेम्परेचर में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट होने के अनुमान है। बारिश के बाद ठंड में तेजी से इजाफा होगा। यदि 5 डिग्री तक टेम्परेचर गिरा तो फिर कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। दरअसल बिहार, झारखंड और UP के तटवर्ती क्षेत्रों में हवा का प्रवाह 1.5 किलोमीटर ऊपर हो रहा है। इसी वजह से ठंड का प्रभाव अभी बहुत अधिक नहीं दिख रहा है, लेकिन बारिश होने के बाद ठंड का बढ़ना तय है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।